नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडो इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका स्माइल 3 का होमवर्क, जो कि आज यानी कि 24 तारीख को जारी किया गया। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। यहाँ पे आप देखिए क्लास 8, विषय आपका हिंदी और टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं बस की यात्रा। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया सही विकल्प कोष्ठक में यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में व्यंग विधा का सर्वप्रथम प्रयोग किसका, मतलब सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपको उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका गांव वाला ऑप्शन है, आपका सही हो जाएगा, यानी कि हरिशंकर परसाई। इसका दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको शब्दों का अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द यहाँ पे आप देखिए गजब, गजब का अर्थ क्या हो जाएगा? अजीब बात। इसके बाद कूच, कूच का अर्थ क्या हो जाएगा? आगे बढ़ना। इसके बाद तीसरा देखिए निमित्त, निमित्त का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका कारण। चौथा आप देखिए रंग, रंग का अर्थ होता है यहाँ पे आपका गरीब। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे आपको एक लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप प्रेस कर दें। उसके बाद दोस्तों एक घंटी का आइकन होगा, उसे आप जरूर दबाना, ताकि दोस्तों आपको डेली इसी तरीके से आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने का किसी प्रकार का यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, इस पार्ट में किस पर यहाँ पर व्यंग किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों आप तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो बिना किसी रखरखाव के किस प्रकार पुरानी व ख़राब हालत की जो बसें को ज़्यादा यहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए सड़कों पर चलाते हैं और यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा, ये आपको पूरा लिखना है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद करें और डाउट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएं, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी भाषा के साथ बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में होती है हिचकिचाहट, या फिर अगर आपको करनी है इंटरव्यू की तैयारी, या फिर अगर आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप प्ले स्टोर से और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खरीदें और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को यहाँ पर सर्च करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखिए, वाक्यांश के लिए यहाँ पे आपको एक शब्द लिखना है। बड़ी उम्र का व्यक्ति, बड़ी उम्र के व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों? वृद्ध बोलते हैं, तो यहाँ पे आप वृद्ध लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया आगा पीछा करना, इस मुहावरे का दोस्तों यहाँ पे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों जो आपको मुहावरा दिया आगा पीछा करना, इसका यहाँ पे आप अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ होता है दोस्तों सोच में पड़ना। अगर दोस्तों हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक उदाहरण के लिए, पहले राजू ने कह दिया था कि वह राहुल की पुरानी कार खरीद लेगा, लेकिन अब राजू ने कार देखी तो वह आगे पीछे करने लगा। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको डेली इसी तरीके से आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।